नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, जिन जिन मेरे फ्रेंड्स ने आरआरबी एंड लोको पायलट का फॉर्म फिल किया हुआ है, फ्रेंड्स वो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, कानून की आत्मा की रचना किसने की। इसका आंसर है मॉन्टेस्क्यू ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माप तोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहां से हुआ। इसका आंसर है फ्रांस से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका आंसर है हर्डर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना। इसका आंसर है 1804 ईस्वी में। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका आंसर है कार्लो बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर है चार्ल्स डे गाल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका आंसर है नेपोलियन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है। इसका आंसर है टॉमस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मदर की रचना किसने की। इसका आंसर है मेक्सिको गोकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुलामों का युद्ध कब हुआ। इसका आंसर है 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई। इसका आंसर है 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका आंसर है 14 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लुविस 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है देशद्रोह के अपराध में। फ्रेंड्स, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर हो जाएगा देशद्रोही के अपराध में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ। इसका आंसर है 5 मई 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की। इसका आंसर है नेपोलियन ने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था। इसका आंसर है रूस पर आक्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, लिटन कॉर्पोरल किसे कहा जाता है। इसका आंसर है नेपोलियन को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। इसका आंसर है पर्सा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था। इसका आंसर है फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिस्मार्क को किसने बाजी गंगर कहा था। इसका आंसर है विलियम प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिटलर का जन्म कब व कहां हुआ था। इसका आंसर है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि कहां पर हुआ था, तो ये ब्रानाउ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब व किसने किया। इसका आंसर है 1920 ईस्वी में। एंड फ्रेंड्स, इसका गठन हिटलर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता था। इसका आंसर है नाजी पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिटलर की आत्मा कथा का नाम क्या था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ,
हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका आंसर है मेरा संघर्ष माय स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक राष्ट्र एक नेता यह नारा किसने दिया? फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर है हिटलर ने। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ? इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो फ्रेंड अच्छा लगा हो तो फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड अपना बेल बटन फ्रेंड जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड जो मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को आप तक अपडेट आराम से पहुंच जाए, इसलिए फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कर लें। फ्रेंड थैंक यू सो मच।